देश के किसानों को आज फिर से किसी ऐसे किसान नेता की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ किसान नेता हो, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम। देश को जरूरत है किसी ऐसे किसान नेता की जो किसानों को फिर से एक मंच के नीचे ला सके। आज आपको बताएंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिसने उत्तर भारत के किसानों को आंदोलन का तरीका बताया था। आज उस व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे जिसे संगठित किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। आज बात करेंगे सदी के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम लेते ही उस दौर में किसान और किसान आंदोलन का दृश्य सामने आ जाता था। आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। स्वामी सहजानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। वहीं उनकी कर्मभूमि आजीवन बिहार रही। बिहार ही उनकी कर्मभूमि रही और बिहार के मुजफ्फरपुर से ही उन्होंने दुनिया से विदा लिया। हम आज इस वीडियो में केवल इस महान शख्सियत के आंदोलनों की बात करने वाले हैं। 1920 का वो साल था जब स्वामी जी सक्रिय राजनीति में आए थे। उस समय वे पक्के गांधीवादी हुआ करते थे। वे बिहार कांग्रेस के उस समय बड़े नेता हुआ करते थे। किसानों की बात को हमेशा से कांग्रेस की होने वाली छोटी बड़ी हर सभा में उठाया करते थे। 1928 आते आते उन्होंने किसानों की आवाज को खुले मन से उठाना शुरू कर दिया था। 1928 से 1929 तक उन्होंने जिला स्तर की कई किसान सभाओं को संबोधित किया। 1929 में उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले के दौरान किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया और उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन का ऐलान कर दिया। उस समय तक वे गांधीवादी बने रहे, लेकिन उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल में गए। उसके बाद 1934 में जब बिहार प्रलयकारी भूकंप को झेल रहा था, उस समय उनका हृदय गांधी जी के विचारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। उन्हें लगने लगा कि भूकंप के बाद जमींदार जिस तरीके से छोटे छोटे किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका प्रतिकार गांधीवादी बनकर करना नामुमकिन है। भूकंप के बाद गांधी जी बिहार दौरे पर आए थे। उस समय स्वामी जी ने गांधी जी से इस संबंध में विस्तृत बात किया कि कैसे जमींदार सरकार द्वारा मिलने वाली मदद को छोटे किसानों से छीन रहे हैं। दरअसल उस समय बिहार में जमींदार माल गुजारी के एवज में छोटे किसानों को मिलने वाली मदद को अपने सिपाहियों के सहायता से वसूल लेते थे। स्वामी जी ने जब ये बात गांधी जी को बताई तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात दरभंगा महाराज को मालूम पड़ जाए तो वे जरूर इसे दूर कर देंगे। स्वामी जी के मन को गहरा ठेस पहुंचा, क्योंकि दरभंगा महाराज खुद उन जमींदारों और राजाओं में से एक थे जो वसूली करा रहे थे। उन्होंने इसका जिक्र एक पत्र में किया है। स्वामी जी लिखते हैं कि उस दिन की बात के बाद गांधी जी पर मेरी अश्रद्धा हो गई। उसी दिन से मैं उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। 1933 के अप्रैल महीने से लेकर 1935 के नवंबर तक बिहार के 10 जिलों में लगभग 500 किसान सभाएं आयोजित की गई। 1937 में हाजीपुर से प्रांतीय किसान सम्मेलन के साथ साथ स्वामी जी ने पटना में 88, गया में 38, मुंगेर में 57, शाहबाद में 39, भागलपुर में 22, मुजफ्फरपुर में 43, दरभंगा में 38, सारण में 19, पूर्णिया में 13 तथा चंपारण में 2 किसान सभाओं को संबोधित किया था। इसके बाद से कांग्रेस के अंदर स्वामी जी का विरोध शुरू हो गया था। उस समय स्वामी जी बिहार कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार किसान सभा के अध्यक्ष थे। उसी दौरान चंपारण, सारण और मुंगेर के जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश दिया गया कि वे उनके जिलों की यात्रा ना करें। वहीं इसके बाद कांग्रेस के अंदर कई तरह की राजनीति हुई। हम उस चीज में पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम आज सिर्फ आंदोलनों के बारे में बात करने आए हैं। स्वामी जी के आंदोलनों को उस समय कांग्रेस के साथ साथ बड़े बड़े जमींदारों ने अपने तरफ से दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आम किसान इससे जुड़ता चला गया। स्वामी जी का दिया नारा उस समय हर किसान के जुबान पर चढ़ा हुआ था। उन्होंने नारा दिया था कि कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। उस समय बिहार के किसानों ने स्वामी जी में एक आशा देखी थी। हर किसान स्वामी जी के एक आवाज पर उनके पीछे चलने को खड़ा होता था। आज भारत में किसान सभा के नाम पर सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन स्वामी जी जैसा कोई निर्भीक और किसानों के लिए जीने मरने वाला नेता ही नहीं है।
जो नेता है वह किसान नेता के नाम पर बड़े पार्टियों के चौखट पर अपना जमीन बेच चुका है। उस समय कहा जाता है कि स्वामी जी की रैली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की रैलियों से भी ज्यादा भीड़ होती थी। कई ऐसे मौके आए जब स्वामी जी ने तत्कालीन सरकार का डंडा भी खाया, लेकिन किसानों की मांग को झुकने नहीं दिया। आपको मैं कुछ बड़ी झड़पों के बारे में बता देता हूँ, कभी मौका मिले तो गूगल पर जाकर इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। बड़हिया, रेवड़ा और मझियावा के बकासत सत्याग्रह के बारे में जरूर पढ़िएगा। उस समय किसान सभा की गूंज पूरे देश में थी। आप किसान सभा के लोकप्रियता का अंदाजा सिर्फ इससे लगा लीजिए कि 1935 में इसके कुल 80,000 सदस्य हुआ करते थे, जो 1938 में बढ़कर 2.5 लाख को पार कर गया। आज शायद किसानों की बात को रखने के लिए किसी ऐसे महापुरुष की जरूरत है जो किसानों के लिए जीना और मरना दोनों जानता हो। जाते जाते स्वामी जी का एक और नारा सुना जाता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, यह भारत वर्ष उसी का है, अब शासन भी वही चलाएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप वीडियो को शेयर कीजिए और आज के तथा कथित किसान नेताओं को बताइए कि एक किसान नेता कैसा होना चाहिए। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।